जो ओप्पो है वो दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनीज में से एक है, और इंडिया में देखा जाए ना तो मेनली जो ओप्पो के जो फोन्स है ना वो आपको ऑफलाइन मार्केट में ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले ओप्पो के बारे में कुछ ऐसी कमाल की चीजें जो कि ऐसे फैक्ट्स होंगे जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे। और इस वीडियो का मैं पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुका हूं और उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं, तो वो वीडियो भी जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओप्पो से हटके एक बार सैमसंग की बात कर लेते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि रिसेंटली सैमसंग ने अपना गैलेक्सी A80 फोन लॉन्च किया था। अब वो पहला ऐसा फोन था जिसके अंदर आपको स्लाइडिंग और रोटेटिंग कैमरा देखने को मिलता था। लेकिन देखा जाए तो ये दोनों ही टेक्नोलॉजी है ना, ये ओप्पो के फोन में बहुत पहले ही देखने को मिल चुकी है। जैसे कि जो लास्ट ईयर ओप्पो फाइंड एक्स आया था उसके अंदर आपको मोटराइज स्लाइडिंग कैमरा देखने को मिलता था, तो उस कैटेगरी में तो ओप्पो फाइंड एक्स फर्स्ट था। और बात करें मोटराइज रोटेटिंग कैमरा के बारे में तो वो चीज आपको 2014 के ओप्पो N3 में देखने को मिली चुकी थी। तो देखा जाए तो ओप्पो फाइंड एक्स और ओप्पो N3 का कॉम्बिनेशन ही आपको गैलेक्सी A80 में देखने को मिला है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हुआवे ने अपना P30 Pro फोन लॉन्च किया था जिसके अंदर आपको 5x ऑप्टिकल जूम देखने को मिला था। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ओप्पो भी अपना रेनो फोन के अंदर एक 10x ऑप्टिकल जूम को लेकर आ चुकी है, जिसके अंदर जो फोकल लेंथ होती है जूम वाले लेंस की वो है 160 mm। और ये जो कॉन्सेप्ट था ना जूम लेंस का, इसे भी सबसे पहले ओप्पो लेके आई थी क्योंकि कुछ साल पहले MWC में उन्होंने अपना 5x ऑप्टिकल जूम का जो कैमरा मॉड्यूल होता है ना उसे शोकेस किया था, जिसके अंदर पेरिस्कोप लेंस का यूज किया जा रहा था। और इसी चीज को हुआवे ने अपनाया और ओप्पो इसे एक कदम और आगे ले गई और आपको 10x हाइब्रिड ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट देखने को मिल गया ओप्पो रेनो के अंदर। और ये पेरिस्कोप लेंस है और अच्छी बात ये कि ये ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड है, यानी कि इसके अंदर आपको OIS इंप्लीमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप इतना जूम करोगे और आपका हाथ अगर थोड़ा सा भी शेक करेगा ना तो जो इमेज होगी ना वो बहुत ज्यादा हिलेगी, इसलिए OIS को भी इसमें इंप्लीमेंट किया गया, तो ये भी काफी एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। इसके बाद अगर हम थोड़ी पुरानी बातों की बात करें ना, जो ओप्पो ने अपना कुछ साल पहले एक फोन निकाला था ओप्पो फाइंड 7, उसकी खास बात ये थी कि उसमें 13 MP का कैमरा था, लेकिन जो फोन था ना वो आपको 50 MP की फोटोग्राफ खींच पाता था। अब ऐसा इसलिए क्योंकि वो 13 MP की अलग अलग इमेजेस को कैप्चर कर पाता था और उन सारी इमेजेस को मिला के 50 MP की एक सिंगल इमेज बना पाता था, तो ये काफी बड़ी बात हो जाती है उस समय के लिए। और बात करें तो ओप्पो ने रिसेंटली 2018 के अंदर अपना R&D सेंटर खोला था हैदराबाद में, और देखा जाए तो वो ओप्पो की 7th फैसिलिटी है ग्लोबली बात करें, और इंटरनेशनली बात करें तो 3rd नंबर की फैसिलिटी है, क्योंकि ऑलरेडी उनके 3 R&D सेंटर चाइना के अंदर है, यानी कि शंघाई, शेंजेन और डोंगगांव में इनके ऑलरेडी R&D सेंटर्स हैं, और इसके साथ ही एक जापान में है, एक US में सिलिकॉन वैली में भी है, और जो 7th R&D सेंटर है ना वो इंडिया में खोला गया क्योंकि वो इंडिया बेस्ड स्मार्टफोन को थोड़ा और ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं। और कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में बात करें ओप्पो की, तो हाल ही में ओप्पो के कुछ पेटेंट लीक हो गए थे और उसे देख के पता चलता है कि ओप्पो अपने एक फोल्डेबल फोन पे भी काम कर रही है, जो कि काफी कमाल का होने वाला है। और दूसरी तरफ बात करें तो वो अपने एक और स्लाइडर फोन पे काम कर रही है, यानी कि जैसा आपको ओप्पो फाइंड एक्स में एक स्लाइडर मैकेनिज्म कैमरे में देखने मिला था ना, तो हो सकता है आपको ओप्पो फाइंड एक्स के 2019 के एडिशन में आपको एक सेकंड डिस्प्ले मिले जो कि स्लाइड होके निकले, तो एक स्लाइडर डिस्प्ले के कंसेप्ट पर भी ओप्पो काम कर रही है, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। इसी के साथ ही बात करें तो जैसे सैमसंग ने अपना 5G फोन लॉन्च किया था गैलेक्सी S10 5G, तो उसी तरीके से ओप्पो भी इस रेस में, और वो दुनिया की पहली ऐसी कुछ कंपनीज में से बनी है जिसने अपना पहला 5G फोन को लॉन्च किया है, और वो है ओप्पो रेनो 5G। और देखा जाए तो ओप्पो रेनो का जो 5G वर्जन है आपको वो यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलेगा, और देखा जाए तो आज की डेट में बहुत ही कम 5G फोन्स हैं, और इन्हीं में से एक जो 5G फोन है वो है ओप्पो का रेनो, तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि जो वन ऑफ द फर्स्ट 5G फोन्स है वो भी आपको ओप्पो की तरफ से देखने को मिले। इसके साथ ही अगर हम ओप्पो रेनो के बारे में थोड़ी और बात करें, तो पहले तो आप सभी लोग जानते हो कि इसके अंदर आपको वेज शेप का सेल्फी कैमरा मिलता है, यानी कि एक पॉपअप सेल्फी कैमरा है जिसके अंदर जो आधा कैमरा है वो ही बाहर आता है, तो ये भी काफी एक इंटरेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन है और ये सबसे पहले ओप्पो रेनो ने किया। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फोन के अंदर आपको स्प्रिंग का मैकेनिज्म देखने को मिला, क्योंकि स्प्रिंग ऑपरेटेड है, तो ये भी छोटी सी कमाल की बात हो जाती है इस फोन के लिए। और बात करें तो ओप्पो की R सीरीज जो थी ना उसे रिप्लेस किया रेनो ने, मतलब कि ओप्पो की R सीरीज जो ऑलरेडी मार्केट में पॉपुलर थी जिसके अंदर वो काफी सारे नए फोन्स को लॉन्च किया करते थे, तब ओप्पो ने उस R सीरीज को कैंसिल कर दिया, अब उसकी जगह ले आए वो रेनो, और रेनो के नाम से वो काफी सारे फ्लैगशिप फोन्स को भी बनाने वाले हैं।
तो ये शायद बात आप लोगों को नहीं पता होगी। और इसके साथ ही आप लोगों को ये तो पता होगा कि लास्ट ईयर ओप्पो ने अपना एक सब ब्रांड बनाया था रियलमी, और बाद में 2018 में ही पता चला कि अब रियलमी जो वो सेपरेट हो चुका है ओप्पो से और कम्प्लीटली डिफरेंट हो चुका है। लेकिन क्या आप लोगों को अभी भी ये पता है कि जो रियलमी है वो ओप्पो की टेक्नोलॉजी अभी भी यूज करता है, और आने वाले समय में जो रियलमी के फोन होंगे उनमें भी आपको ओप्पो की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। जैसे कि जो रियलमी 3 प्रो है उसके अंदर आपको ओप्पो की वूक फ्लैश चार्ज देखने को मिल रही है। और बात करें जो रियलमी के फोन्स में कलर ओएस चलता है ना, तो उसे भी ओप्पो ही बनाती है, और ऐसा ही ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। और ओप्पो के जो फोन्स होंगे और जैसी उनकी टेक्नोलॉजी होगी ना, सेम वैसी की वैसी चीजें रियलमी में भी आपको देखने वाली है। और बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती ओप्पो और रियलमी के कनेक्शन की, क्योंकि रियलमी इंडिया के जो सीईओ है मिस्टर माधव सेठ, तो क्या आप लोगों को पता है कि वो पहले ओप्पो इंडिया के सेल्स डायरेक्टर थे, और उन्होंने इंडिया में ओप्पो F7 को भी लॉन्च किया था। तो मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ ये बात आप लोगों को अभी तक पता नहीं होगी, और आने वाले समय में आपको ऐसे ही और कमाल के फैक्ट्स मिलते रहेंगे। बाकी आप लोगों को कौन सा फैक्ट पसंद आया तो नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।